हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल। तो सबसे पहले जानिए कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या है एडवांस एक्सेल। देखिए, यहाँ एक्सेल, जब माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल खोलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्रोग्रामिंग है। तो जनरली जो आप किसी ट्रेनर से, किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, तो वो आपको बताता है कि कौन सा कमांड कैसे यूज होता है, कौन सी फॉर्मूला कैसी यूज होती है, या क्या यूज होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास आप जाते हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल बताता है कि इसका यूज हम कैसे करें, एक प्रॉब्लम को ट्रिगर कैसे करें। एक प्रॉब्लम आपके साथ हम बात करने वाले हैं। आपके सामने एक डेटा है। अब डेटा में देखिए, यहाँ पे डेट है, इसके नीचे डेट है, उसके नीचे नेम है, सामने DR डेबिट हुआ है, अमाउंट है, किससे हुआ है और कौन से बैंक में सेव हुआ है। अब इस तरह का डेटा आया हुआ है, दिस इज द अनसिक्वेंस डेटा। PDF से या HTML साइट से कॉपी पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का डेटा आता है। हालांकि डेटा बहुत बड़ा था, मैंने एक सैंपल आपके लिए क्रिएट किया, क्योंकि ओरिजिनल डेटा हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते पब्लिकली, क्योंकि वो डेटा सिक्योरिटी है इसलिए। अब मुझे इसको एक डेट फॉर्मेट में, एक डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ताकि इसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकें। कैसे करना, क्या कन्वर्ट करना है, तो इसमें मुझे डेट दिखना चाहिए, नेम दिखना चाहिए, यहाँ पे DR/CR दिखना चाहिए, अमाउंट दिखना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से आया वो दिखना चाहिए, और यहाँ पे बैंक दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? बैंक। तो अगर इसको मैनुअल करें तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि जनवरी लिए डेट लिया, 1 जनवरी यहाँ पेस्ट कर दिया, नेम हमने यहाँ से उठाया, हमने नेम यहाँ पेस्ट कर दिया, DR को उठाया और हमने DR पे डाल दिया, फिर 600 उठाया और 600 को हमने यहाँ डाल दिया, फ्रॉम पंकज। तो इसका सिर्फ पंकज का नाम जो है वो लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और बैंक यहाँ जो SBI है उसको यहाँ पे डालना है। अब एक मैनुअल, पूरी तरह से मैनुअल, बट मुझे इसको ऐसा करना है कि ऑटोमेटेड हो जाए सारा का सारा। तो इसकी चलिए पैटर्न को देखते हैं, क्या पैटर्न। देखिए, इसमें एक इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन के बीच में एक नंबर ऑफ रोज कम और ज्यादा हो सकता है। तो याद रखिएगा कि डेट हेडिंग है, उस डेट के बगल में नीचे डेट है, ये फिक्स दिख रहे हैं, सब जगह पे फिक्स है। उसके जस्ट सामने डेट के नीचे वाले के अगले कॉलम में नेम है, उसी में आगे आपको दो कॉलम छोड़ के DR है, उसके बाद आपका अमाउंट है, और जो अमाउंट कॉलम है उसी के नीचे फ्रॉम का है, और जो नेम के एक रो छोड़ के दूसरे रो में बैंक। बस ये पैटर्न यहाँ फिक्स है, इसी पैटर्न को लेते हुए हम डेटा को यहाँ पे लुकअप करें। तो यहाँ हम एक सीरियल नंबर बना देते हैं और सेम सीरियल नंबर हम यहाँ भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो डेट हेडिंग है ना, इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ और हमने B1 से B1 ले लिया और इसके अंदर में हमने डेट डाल दिया। तो जो डेट होगा उसके आगे सीक्वेंस दे देगा। तो यहाँ पे F4 करके है, फ्रीज कर दिया, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते ड्रैग कर, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 2 2 2 3 3 4 4 पूरी सीक्वेंस आया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2 आया। तो इसके लिए यहाँ हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ सामने वाले वैल्यू अगर इक्वल टू डेट है तो दिखे, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। और नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, तो जहां जहां डेट था उसके सामने सीक्वेंस नंबर आ गया। अब यहां पे आते हैं अपना डेटा। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे हम मैक्स फॉर्मूला लगा के हम पता कर लेते हैं कि आखिर टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, तो 16 रिकॉर्ड है। अब यहाँ जहां मुझे चाहिए वहां पे फॉर्मूला देंगे कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में अगर +1 करूं
ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस वन, तो क्या वो ग्रेटर देन 16 है? अगर है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर। अब मुझे नीचे ड्रैग करना है, सबसे पहले मुझे आई वन को फ्रीज करना होगा, उसके बाद इस पे हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तो इसमें ब्लैंक आने के चांसेस हैं, और ब्लैंक से क्या होगा, एरर आने के चांसेस हैं, और इसको नीचे एक संभावित एरिया में हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको सारा सिक्वेंस आ गया। अब इसी को फॉर्मूला को बेस लेते हुए हमें करना है आगे डेट, हमें डेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया मैच का। मैच फॉर्मूला बताएगा कि इस वन का रो नंबर क्या है, तो रो नंबर बताया इसने एक। मैं इसको कट करके नीचे रख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ऑफसेट फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि स्टार्टिंग ऑफ द डेटा और जो रो है उसमें से माइनस वन करो, और कॉलन जो होगा, नहीं रो माइनस वन नहीं होगा, 0 1। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, उसके बाद कॉलम, कॉलम क्या है 0 1। तो देखिए 1 जनवरी आ गया, और इसी में मैं मैच का फॉर्मूला यहाँ कॉपी करता हूं और इसमें जहां रो नंबर है K3 वहां पेस्ट कर देता हूं। अब इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं आगे, हर में लगाएंगे नेम। नेम में हम क्या कर रहे हैं कि जो मैच का रिजल्ट है उसमें प्लस वन कर देते हैं, एंड कॉलन आल्सो प्लस वन प्लस टू, ये ऐसा आ गया, मतलब कि 0 1 2 कॉलन, और मैच जो दिया वो रो, 0 1 2 रो, मतलब कि वन तो आया, प्लस वन कर दिया तो टू हो गया। उसके बाद DRCR के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, बस एक बार देख लीजिए इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, कॉलम 5 होगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो कॉलम में हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, उसके बाद अमाउंट 6 में है, यहाँ अमाउंट यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। फ्रॉम, तो फ्रॉम में मुझे बस कुछ नहीं करना है कि इसमें जो टू है वन है उसको टू कर देना है, तो फ्रॉम हमारा आ जाएगा। हाँ ये क्या था, 6, यहाँ पे 6 होगा, 5 हो जाएगा आगे। बट फ्रॉम पंकज, मुझे इसमें सिर्फ पंकज चाहिए, फ्रॉम नहीं चाहिए, तो क्या करूं उसके लिए, तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमें इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर रख देना है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करेगा इसको, इसमें हमने बोला कि फ्रॉम को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, तो फ्रॉम हटा दिया इसने, और ये स्पेस आ रहा है तो इसको ट्रिम लगा दीजिए तो स्पेस रिमूव कर देगा। बात करते हैं बैंक, तो बैंक के लिए एक बार देख लीजिए, 0 1 2 एंड 0 1 2 3 4, तो 3 रो ऐड करना होगा, हम पेस्ट करते हैं इसमें, हम यहाँ पे 3 ऐड प्लस कर दिया और यहाँ पे भी 3 होगा, 4, एक बार दोबारा देखते हैं, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे 0 1 2, ये आपका कॉलम 2 होगा और 3 होगा,
डेटा आ गया। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है तो हमें जस्ट यहाँ पे फ्रीज करना होगा, F4 से फ्रीज, बाकी कोई फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो सारे फॉर्मूले में हम A4 को फ्रीज करते चले जा रहे हैं। A1 जो है उसको फ्रीज कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग। अब देखिए जो मैनुअल काम घंटों का था उस काम को हमने एकदम चुटकियों में कर दिया, जो काम घंटों का था। और नीचे जो इस तरह के आ रहा है तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इफ अगर ए इक्वल टू ब्लैंक तो ऑल्सो ब्लैंक, सॉरी यहां कॉमा देना भूल गया, और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। इफ ये आपका ब्लैंक हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जो काम मेरा घंटों में था, अब इसी तरह से अगर लाख डेढ़ लाख का डेटा होगा तो आपको काफी टाइम लगेगा, और इसी काम को मैंने यहाँ कुछ मिनट में कर दिया। तो दिस इज एडवांस एक्सेल। अब इस तरह की क्लासेस लेने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ लाइव जूम क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरना होगा। iptindia.com पे जाइए, जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने लाइव क्लासेस दिखेगा, लाइव क्लासेस पे क्लिक कीजिए, और लाइव क्लासेस पे क्लिक करते ही मेरे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। कोर्सेज की डिटेल देखिए, साथ में डेमो क्लास का फॉर्म भरिए और जूम के साथ मेरे साथ डेमो ज्वाइन कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐप के जरिए रिकॉर्डेड सेशन लेना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड दिया हुआ है, या फिर प्लेस्ट लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या प्ले स्टोर पे जाके आप एक्सेल इमेज ट्रेनिंग को सर्च कर सकते हैं, वहाँ मेरे सारे कोर्सेज की डिटेल दिख जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।